India's most trusted and fastest growing brand, Neon Battery. कैंट बोर्ड का टोल बोर्ड 50 ट्रक और हंगामा। जी हाँ, कैंट बोर्ड की टोल वसूली का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते बीती रात ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर रात दिल्ली रोड फैज आम इंटर कॉलेज के सामने टोल को लेकर जमकर हंगामा किया और मौके पर टोल के बैरियर को उठाकर फेंक दिया गया। ट्रांसपोर्टरों के उग्र विरोध को देखते हुए टोल कर्मी भाग खड़े हुए। टोल के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैंट विधायक से बात की थी। दोनों ने विरोध प्रदर्शन की बात कही और दोनों ने आज मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के दबाव के बाद सोमवार की रात में ही 10 बजे दिल्ली रोड टोल पर पहुंच गए। इस दौरान करीब 50 ट्रक एक साथ टोल पर पहुंचे और उन्होंने टोल कर्मचारियों से वसूली का विरोध किया। ट्रांसपोर्टरों के तेवर देखकर टोल कर्मचारी भाग खड़े हुए। देर रात तक ट्रांसपोर्टर और थ्री व्हीलर स्टेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। उन्होंने कैंट बोर्ड के अधिकारियों से बात कर बताया कि मंगलवार को संबंध में एक बैठक भी रखी गई जिसमें टोल को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में गौरव शर्मा और विपुल सिंघल के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। विपुल सिंघल ने बताया कि टोल अवैध है। गौरव शर्मा ने बताया कि टोल पूरी तरह से अवैध है। हमने परसों एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमने अपनी मांग रखी थी कि टोल ये वसूली अवैध वसूली हो रही है, टोल कैंटोनमेंट बोर्ड में इसे बंद करा दिया जाए। अगर नहीं कराई तो 48 घंटे में हम चक्का जाम कर देंगे, मजबूरन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा टोल पर। तो आज विवश होकर हमारे साथ टेम्पो यूनियन और हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सारी यूनियन, जितनी भी यूनियन हमारी हैं, सब ने खुद स्वेच्छा से लाकर अपने ट्रक यहाँ खड़े कर दिए। जिसके बाद ACM मैम आई और उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और हमें कल तक के लिए आश्वासन दिया है कि आप अपना ट्रक हटा लीजिए, कल आपका जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड में फाइनल जो भी होगा आपका निर्णय आएगा, उसके बाद आपकी आंदोलन करेंगे। भैया हमारे महात्मा गांधी जी ने सिखाया कि आंदोलन करो, आंदोलन कर गए अंग्रेज भगे थे, आंदोलन करके टोल वाले को भगाएंगे हम। आपको बता दें कि कैंट बोर्ड ने अपने इलाके में टोल लगाए हैं। पूरे इलाका महानगर में आता है। शहर के भीतर टोल लगाने से व्यावसायिक वाहनों पर भार पड़ रहा है और इससे आम लोगों पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसका विरोध कर रही है। जयपुर टीवी के लिए मेरठ से राहुल राणा की।